हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भभुआ स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग आज मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में महाजनपद काल पढ़ाया है और महाजनपद काल के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस समय धार्मिक आंदोलन के रूप में उभर कर ये दो धर्म आए थे। ठीक है, उससे पहले जो महाजनपद काल का समय था वो था कि जो 16 महाजनपद के हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो इससे ये पता चलता है कि जो 16 महाजनपद थे वो अपनी अपनी शक्ति को स्थापित करने में उस समय व्यस्त थे। कोई मतलब हर महाजनपद अब शक्तिशाली बनना चाहता था, तो उसके बाद जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में या साम्राज्य के रूप में हमारे सामने उभर कर आया। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मगध साम्राज्य के जो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य ही क्यों बना, क्योंकि वो देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही समृद्ध था, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और राजनैतिक दृष्टिकोण से भी। ठीक है, इसी कारण वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग अपने वीडियो में यही देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब देखिए 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, जैसा मैंने बताया कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में हमारे सामने मगध साम्राज्य आया। ठीक है, और मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहदर्थ को माना जाता है। ठीक है, हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे कहा जाता है कि बृहदर्थ, और ये क्वेश्चन भी आया है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहदर्थ था। ठीक है, मगध का उदय या सफलता के क्या कारण थे, जैसा मैंने बताया आर्थिक दृष्टि, राजनैतिक दृष्टि और भौगोलिक दृष्टि। देखिए, आर्थिक दृष्टि क्यों था, सबसे पहले हम लोग भौगोलिक दृष्टि देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि में क्या था, जो मगध था ना, जो मगध साम्राज्य था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए मगध साम्राज्य भौगोलिक दृष्टि में क्या था, ये 5 पहाड़ियों से घिरा था और ये मतलब ये पहाड़ी दुर्ग से घिरा रहता था। ठीक है, पहाड़ियों के दुर्ग से घिरा रहता था और ये 3 नदी, गंडक, सोन और गंगा। ठीक है, गंगा, गंडक, सोन नदी जल दुर्ग के रूप में था। ठीक है, 3 नदियों के दुर्ग से। ठीक है, ये जल दुर्ग कहलाता है, इसे जल दुर्ग कहा जाता है। ये 3 नदियों के जल दुर्ग से घिरा हुआ था और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस तरह से इसके भौगोलिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, और यह आर्थिक दृष्टिकोण से ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे लोहे की बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे लोहे की प्रचुरता के कारण, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से लोहे की प्रचुरता। ठीक है, और इसके जो उस क्षेत्र में, जैसे देखिए 3 नदियों का जो संगम था उसी पर पाटलिपुत्र स्थापित है। ठीक है, पाटलिपुत्र जो शहर है वो 3 नदियों के संगम पे ही स्थित है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे आते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने बताया कि भौगोलिक दृष्टिकोण से इसलिए मजबूत था ये क्योंकि ये 5 पहाड़ियों से घिरा था और 3 नदियों के जल दुर्ग से घिरा था। ठीक है, और देखिए किसी भी साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए उसके भौगोलिक दृष्टिकोण उसका अच्छा होना चाहिए, उसका राजनैतिक अवस्था अच्छा होना चाहिए और आर्थिक भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जब मगध का उत्कर्ष या उसकी सफलता का यही कारण था कि वो भौगोलिक दृष्टिकोण से तो काफ़ी अच्छा था और फिर आर्थिक दृष्टिकोण से वहाँ पे लोहे की प्रचुरता बहुत अधिक थी। ठीक है, और राजनैतिक दृष्टिकोण से ये हुआ कि यहाँ पे
अनेक शक्तिशाली राजा उभर कर आए और शक्तिशाली राजा रहते थे। ठीक है, शक्तिशाली राजा के रूप में ये राजनैतिक दृष्टि से व्यवस्थित या मजबूत हुआ। इसी कारण से मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर के आया 16 महाजनपदों में से एक। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, मगध वंशों का क्रम पढ़ते हैं। ठीक है, मगध वंश में अनेक वंश हुए, जैसे सबसे पहले हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। ठीक है, तो देखिए हर्यंक वंश में क्या है कि इसे पितृहीनता कहा जाता है। ठीक है, इसे पितृहीनता क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो हर्यंक वंश के जो संस्थापक है वो बिंबसार थे। ठीक है, और इसे पितृहीनता वंश कहा जाता है क्योंकि जो भी यहाँ पे, जैसे ही आगे आप देखेंगे, वो पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, इसीलिए इसको पितृहीनता वंश कहा जाता है। और ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन भी है, पितृहीनता वंश किसको जाना जाता है या पितृहीनता नाम से किस वंश का जाना जाता है। ठीक है, तो ये है हर्यंक वंश पितृहीनता। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, और नंद वंश के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य के रूप में जो उभर कर आया, जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना, वो मौर्य साम्राज्य बना। ठीक है, क्योंकि नंद वंश के बाद विदेशी आक्रमण होते हैं और इन विदेशी आक्रमणों के बाद हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य ये जो है वो मौर्य वंश हमारे सामने आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में, और अगली वीडियो में हम लोग विदेशी आक्रमण देखेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं हर्यंक वंश। देखिए मगध का प्रथम वंश, ठीक है, यह प्रथम वंश के रूप में आया और पितृहीनता के रूप में था, प्रसिद्ध था। मैंने बताया था ना कि पितृहीनता, पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त करता था ये, या इस वंश के जो राजा थे, शासक थे, संस्थापक बिंबसार को, इसकी स्टार्टिंग है 544 BC। ठीक है, राजगृह को राजधानी बनाया, सर्वप्रथम राजगृह, उस राजगृह तो आधुनिक नाम है, ये तो आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम है गिरिव्रज। ठीक है, गिरिव्रज इसका प्राचीन नाम है, और राजगृह को राजधानी बनाया। ठीक है, अब देखिए इसने एक राजवैद्य नियुक्त किया, जीवक। ठीक है, जीवक, और अवंती के राजा जो थे प्रदोत, चंड प्रदोत, राजा प्रदोत नहीं, राजा चंड प्रदोत जो थे, राजा चंड प्रदोत, जीवक बुद्ध एवं अवंती के राजा चंड प्रदोत की सेवा की थी। ठीक है, इसने अपने सभा में एक राजवैद्य नियुक्त किया था, उसका नाम था जीवक। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के एग्जाम के लिए कि बिंबसार ने किस राजवैद्य को नियुक्त किया था, तो ये जीवक, ये सबसे प्राचीन और सबसे आप पुराना बोल सकते हैं राजवैद्य के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो जीवक, और जीवक को क्यों नियुक्त किया था, क्यों रखा था, बुद्ध और अवंती के राजा चंड प्रदोत की सेवा के लिए, बुद्ध की सेवा के लिए। ठीक है, क्योंकि बिंबसार बौद्ध धर्म को मानता था। अब देखिए इसकी विवाह किससे हुई थी, महाकोशला, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से इसकी शादी हुई थी। ठीक है, इसका विवाह महाकोशला, और कौन है ये महाकोशला, प्रसेनजीत की बहन है, और चेलना वैशाली, ये वैशाली की रानी थी, चेलना वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से दूसरी विवाह किया था इसने। और तीसरा था पंजाब के मद्र राजा के ग्राम प्रधान की जो पुत्री थी छेमा। ठीक है, ये देखिए इसका नाम कहीं कहीं पे हमें छेलना भी मिलता है और इसका नाम हमें छेमा भी मिलता है। ठीक है, किसी किसी बुक में, लेकिन जो
एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये चेलना और छेमा नाम ही मिलता है, तो एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, ये मद्र पंजाब के मद्र देश की ये ग्राम प्रधान की पुत्री थी छेमा, उससे इसने विवाह किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग फिर अजात शत्रु। देखिए, अजात शत्रु को कुड़िक या वैदेही पुत्र कहा जाता है। और देखिए, जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जो बिंबिसार था वो जब कारावास में गया तो वो वहाँ पे जहर खा के मर गया था। ठीक है, तो लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार यह पता चलता है कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसीलिए देखिए मैंने बताया ना कि पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त करते थे इस वंश के राजा, इसी वजह से इसे पितृहीनता कहा गया है। ठीक है, अब देखिए पितृहीनता इसी वजह से कहा गया है, और अजात शत्रु को कुड़िक या वैदेही पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका टाइम है 492 BC में पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है, ये यहाँ पे लिख देते, देखिए ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है, लेकिन जैन ग्रंथ वाले मानते हैं कि कारावास में ये जहर खा के मरे थे, लेकिन अब जो बुक में मिलता है वो यही मिलता है, इसीलिए इस वंश को पितृहीनता वंश कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे पितृहीनता घोषित किया गया। वैशाली तथा काशी जीता, इसने वैशाली, ठीक है, इसने अपने जब इसने युद्ध किया तो सबसे पहले अब इसने अपनी ननिहाल वैशाली, इसका देखिए इसकी माँ जो है वो चेलना, ठीक है, चेलना का पुत्र था, तो इसने अपने ननिहाल पे यानी वैशाली और काशी पे भी, काशी को भी ये जीता था। ठीक है, काशी को इसने कैसे जीता था, इसने काशी के राजा की पुत्री से शादी की थी। ठीक है, और उसी से ये शादी करने के बाद वो ये दान में मिला था इसको, काशी मतलब दहेज में मिला था इसको, काशी जो है वो अजात शत्रु को दहेज में मिला था। ठीक है, और वैशाली को इसने युद्ध में जीता था। ठीक है, और उसके बाद बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन इसके अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप के अध्यक्ष में हुआ था, सॉरी मतलब अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, उद्यान, ये नाम याद रखिएगा, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये तो मैंने बौद्ध धर्म जब पढ़ाया है तब बता दिया था, लेकिन देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, उद्यान या इसका नाम उदयन भी मिलता है कहीं, ये भी देखिए पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, और इसने क्या किया था, गंगा सोन गंडक नदी पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, इसने गंगा सोन और गंडक नदी पे, देखिए यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पे राजगृह को राजधानी बनाया था, यानी जो बिंबिसार था वो राजगृह को राजधानी बनाया था, और जब ये वैशाली जीत लिया था तो इसने वैशाली को राजधानी बनाया था। ठीक है, और जब फिर उदयन आता है तो ये पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो देखिए गंगा सोन और गंडक नदी पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिहार PCS में ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कि गंगा सोन गंडक, ये जनरल नॉलेज के लिए भी है और ये हिस्ट्री से तो इम्पॉर्टेंट है ही। देखिए गंगा सोन और गंडक नदी पर पाटलिपुत्र है, गंगा सोन और गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है, वो गंगा सोन और गंडक नदी पर स्थित है, और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, और उसे उसने अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए शिशुनाग वंश जो है, ये जो शिशुनाग है, शिशुनाग इसके संस्थापक थे, उसी के नाम पे ये शिशुनाग वंश नाम पड़ा है। और देखिए शिशुनाग
एक मतलब राजा बनने, शासक बनने से पहले वो काशी में एक मंत्रिपरिषद में शामिल था, ठीक है। तो ये संस्थापक है शिशुनाग, राजधानी है इसकी वैशाली, अवंती को मगध में मिलाना इसका सबसे पहले, ये राजा बनने के बाद इसने क्या किया कि अवंती राज्य को मगध में मिला लिया, ठीक है। तो इससे इसका जो मगध विस्तार क्षेत्र था, इसका राज्य क्षेत्र था, वो काफी बड़ा हो गया। देखिए, इसने अवंती को मगध में मिलाया और अवंती पर वत्स का अधिकार था, ठीक है, वत्स का अधिकार था, या बोल सकते हैं कि अवंती का वत्स पर भी अधिकार था। तो ये अवंती वत्स दोनों को ही अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। अब देखिए आता है कालाशोक, ये शिशुनाग वंश का ही अगला है शासक कालाशोक, इसे काकवंड के नाम से भी जाना जाता है और ये नेट जीआरएफ का क्वेश्चन भी है, काकवंड के नाम से किसे जाना जाता है कालाशोक को, ठीक है। और इसका है पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, क्योंकि देखिए अब राजधानी शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी, वैशाली बन गई थी, ठीक है। और जब ये कालाशोक आया तो इसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया था, पाटलिपुत्र को उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ठीक है। अब देखिए फिर इसने क्या किया, कालाशोक ने महापद्म नंद की हत्या कर दी थी और द्वितीय बौद्ध सभा जो हुआ था वो कालाशोक के शासन काल में ही हुआ था, ठीक है। अब नंदीवर्धन का अंतिम शासक था, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। देखिए एग्जाम के लिए किसी भी वंश का पहला शासक और अंतिम शासक ये तो याद रखना ही चाहिए, बीच में अगर कोई इम्पॉर्टेंट युद्ध और इम्पॉर्टेंट राजा आते हैं तो उनके बारे में तो ज़्यादा ये पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्जाम के लिए अंतिम शासक और प्रथम जो संस्थापक होते हैं उनका नाम जरूर पूछता है एग्जाम में। तो नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे, शिशुनाग वंश के नंदीवर्धन अंतिम शासक थे, ठीक है। अब आता है नंदवंश, नंदवंश के संस्थापक थे महापद्मनंद, ठीक है। और एक भारत के प्राचीन समय में भारत के एकमात्र ये शासक था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। एकराट की उपाधि किसने धारण की थी, महापद्मनंद ने, ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी उपाधि एकराट थी, ठीक है। फिर आता है पुराणों में, इसमें क्या है, परशुराम, परशुराम यहाँ इसका क्या मतलब है कि पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम का अवतार बताया गया है, ठीक है, परशुराम का अवतार कहा जाता है महापद्मनंद को। इसने क्या, इसका इसकी जो विशेषताएं हैं, इसने कलिंग को जीता था और वहां से जिनसेन की मूर्ति ले आया था। तो इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उससे पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था और वहां से जिनसेन की मूर्ति ले आया था, जो बाद में खारवेल जब शासक बना था, क्योंकि खारवेल काफी शक्तिशाली शासक था, तो वो बाद में जब वो खारवेल शासक बना तो वो कलिंग को जब जीता तो वहां से ये अपनी जिनसेन की मूर्ति वापस ले आया था, ठीक है। जब हम लोग खारवेल पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, अभी देखिए महापद्मनंद की विशेषता, कलिंग जीता और जिनसेन की मूर्ति उठा लाया था और उसने एक नहर खुदवाई थी, इसका प्रमाण भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। फिर घनानंद जो है वो अंतिम शासक है, घनानंद अंतिम शासक है, ये अंतिम शासक है नंद वंश का, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए घनानंद के बाद इसमें 326 बीसी में विदेशी आक्रमण होता है भारत में। विदेशी आक्रमण के क्या कारण रहे होंगे, देखिए अब जो भारत, देखिए मगध साम्राज्य
उस समय का सबसे शक्तिशाली और आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक सारे दृष्टिकोण से काफी मजबूत और व्यवस्थित साम्राज्य बन गया था। ठीक है, तो अब भारत में राजनैतिक समृद्धि आ गई थी, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि सारे स्तर पे मजबूत हो गया था। तो अब तो विदेशी आक्रमण होना ही था। ठीक है, तो 326 BC में, मतलब 326 ईसा पूर्व में सबसे पहले विदेशी आक्रमण होता है। अब हम लोग इसको आगे की वीडियो में देखेंगे, विदेशी आक्रमण के बारे में, जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।